आप म्यूट हो। ग्रेविटेशन प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट कौन बताएगा? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट? प्रोजेक्टाइल्स, यस, दे आर प्रोजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। एंड व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट? ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। So now we are going to derive an expression for orbital velocity. So a satellite is revolving around a planet. And this is satellite of mass m, distance is r. Between the center of satellite and planet, the distance is small r. Mass of the satellite is small m. This is satellite. This is a satellite. Right? What do you think? How the satellite is able to revolve in a circular orbit? Yes. Which fuel the satellite is having that helps it in helps it in rotating in a circular orbit? कौन सा fuel होता है satellite? Fuel in the sense कौन सा force मिलता है इसको in the form of centripetal force जिसकी वजह से ये revolve कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है इन अ सर्कल। दो देयर इज अ लार्ज अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ लार्ज मासेस, तो ये व्हाई डजंट मून फॉल इनटू द सेंटर ऑफ अर्थ? ये रिवॉल्व कैसे करता है? यस, बिकॉज इट इज गेटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन प्लैनेट एंड मून, इट इज गिविंग अस दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, देन इट इज एबल टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो वो सर्कल में मूव कर, ठीक है? तो जब ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगी, तब हो सकता है कि मून अर्थ में आके गिर जाए। तब तक तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू आर बाईसाइकिलिंग, ठीक है, आप अपने पैडल करके अपने आप को सर्कल में मूव कर रहे हो। यू टिल्ट आल्सो योरसेल्फ एट सर्टेन एंगल। हमने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पूरा आर्टिकल किया हुआ है। व्हाट हैपेंस इफ यू स्टॉप पैडलिंग? क्या आप रेस्ट पे आओगे? इस तरह से मूव करते करते रेस्ट पे आओगे? व्हाट डू यू इमेजिन? इमेजिन दैट कि आप एक एक सर्कल में साइकिलिंग कर रहे थे। यू हैव टू पैडल वेरी हार्ड आई थिंक टू डू दैट, ठीक है? और जब आप पैडल करना बंद कर देते हो, तो क्या आप ऐसे ऐसे करके रेस्ट पे आओगे? क्या होगा? टेंजेंशियली जाना शुरू कर दोगे। आप सर्कल में मूव नहीं कर पाओगे। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हुआ, आपने अपने आप को टिल्ट करके पैडलिंग करके अपने आप को सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ था। As you stop pedaling, no more you will be moving in a circular path. Now you will go tangentially. Because in second unit we have done, there are two types of accelerations a body has. ठीक है, एक होती है centripetal towards the radius, दूसरी होती है tangential. तो अगर centripetal बंद हो गई तो tangentially जाना शुरू कर दे, ठीक है? तो same thing is here. So what provides centripetal force to the satellite? Gravitational force. Centripetal force is equal to gravitational force between planet and the satellite. Centripetal force का फॉर्मूला क्या है? mv square by r. And किसका मास और किसका रेडियस लिया? यहाँ पे टू मासेज हैं, टू रेडिया है। किसका मास लिया जो रिवॉल्व कर रही है? सेटेलाइट का मास और रेडियस लिया हमने। प्लैनेट को हमने रेस्ट पे लिया हुआ है ना, रिवॉल्व कौन कर रहा है? सेटेलाइट कर रही है। तो एम वी स्क्वायर ओवर आर फॉर द सैटेलाइट। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट,
ओवर डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लैनेट। तो यहाँ पे भी स्मॉल आर आएगा, यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, सो इट एक्ट्स बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे हम यहाँ पे, दैट इज स्मॉल आर। सो सी दिस वेलोसिटी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की है ना ये, तो किस वेलोसिटी से वो कर रही है रिवॉल्व, वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट वी एम टू फाइंड। एम गेट्स कैंसल्ड, आर गेट्स कैंसल्ड, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर दैट इज अंडर द रूट जी एम बाय आर। नाउ व्हाट इज आर? If h is height of satellite from the surface of earth, so you can write from the diagram small r is capital R plus h. Small r is capital R plus h, where h is height of satellite from the surface of earth. H क्या है? अर्थ के सरफेस है वो, देखो प्लेनेट के सरफेस से लेके सैटेलाइट की हाइट है। So let us put the value of small r also here to get the complete expression for orbital velocity gm by r plus h. So orbital velocity is under the root gm by r plus h. ये इसका expression है। To calculate orbital velocity for launching, for sending a satellite into its orbit from the earth, let us calculate the value. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइट, एक हाइट पे थोड़ी हम लेंगे उसको, अर्थ के लिए अगर हमें लेना है तो अर्थ के सरफेस पे ही कैलकुलेट करेंगे ना हम। सो लेट अस अज्यूम दैट द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। लेट द सैटेलाइट बी ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, very close to the surface of earth, so that we can take height zero, so that we can take approximately height equal to zero, matlab bahut close hai to height ka approximately zero put kar dete. So put it zero here in the expression under root gm by r. Now we can easily calculate putting the values in for earth. G ki value, earth ka mass, earth ka radius, ye to kariye solve, kitni aati hai ye value, solve this now. Yes Asis, where is your copy? कैलकुलेट करिए। Into 6 into 10 raised to power 24 earth ka mass. So this will be around 7.92, matlab approximately 8 kilometer per second. Escape velocity thi earth ke liye 11.2 kilometer per second. ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकंड। सो दिस इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। फाइन, साइड बाय साइड रिजल्ट्स।
साइड बाय साइड वी कैन हैव अ कंपैरिजन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था याद है? टू अंडर रूट टू जी एम बाय आर था. ये अंडर रूट जी एम बाय आर. सो वी कैन से एस्केप वेलोसिटी इज रूट टू टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी. दिस इज रिलेशन बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटीज. नोट कर लो, एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. सो एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट टू टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी. रूट टू टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी. फाइन, तो ये होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू, उसका फॉर्मूला, एवरीथिंग. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट. कितने टाइम में सैटेलाइट एक राउंड लगा सकती है, वो टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. टी किसका है? ये सैटेलाइट का. तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. स्पीड ऑफ सैटेलाइट है ऑर्बिटल वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज 2πr. ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला था वो पुट कर देते हैं यहाँ पे. r है r प्लस h और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने डिराइव की अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच. यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एच को इग्नोर नहीं करेंगे. वॉट एवर फॉर्मूला वी गॉट वी विल बी पुटिंग इट हियर. वो तो अर्थ के लिए वैल्यू निकालने के लिए हमने उसको एच को इग्नोर किया था, अदरवाइज वी विल बी टेकिंग इट इनटू अकाउंट. गॉट दिस? ये स्टेप क्लियर है? अब अंडर रूट आर प्लस एच ऊपर चले जाएगा. Is this step clear? Invert कर दिया. If we want to take r plus h inside, क्या आएगा अंदर? अगर square root के अंदर लेके जाएंगे तो square जाएगा, एक already एक cube हो जाएगा. Are you getting this? 2 pi under the root r plus h cube बन जाएगा. Is this step clear? रूट के अंदर लेके जाएंगे, स्क्वायर जाएगा, एक ऑलरेडी था तो आर प्लस एच क्यूब हो गया. एंड हाउ कैन वी राइट जी एम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही फॉर्मूला यूज करके जी एम विल बी जी आर स्क्वायर. पुट जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर. राइट, डिनोमिनेटर में से आर स्क्वायर जो है उसको बाहर निकाल लो, आर आ जाएगा. सो दिस इज द नोन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. इन दिस फॉर्म द फॉर्मूला इज नोन. सो टी इज 2 पाई बाय आर अंडर द रूट आर प्लस एच क्यूब बाय जी. दिस इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अ प्लैनेट. क्लियर? अब साथ ही लास्ट इसका आर्टिकल कर लेते हैं. हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ भी निकाल लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट या सरफेस ऑफ अर्थ.
height of satellite from the surface of planet. तो वो h निकालना, अब आपने क्या करना है इसको सॉल्व करके h बाहर निकालना बस, इट्स ऑल मैथमेटिकल. क्या करोगे, यू विल स्क्वायर बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, h बाहर निकालना. चलो करिए, मैं भी यहां सॉल्व कर दूं. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया, after that cross multiplying t square r square g, r square g उधर चला जाएगा, cross multiply. चाहिए क्या आपको h, ये यहाँ पे रखिए, 4π² यहाँ ले जाइए, तो r प्लस एच क्यूब टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4π² r प्लस एच इज टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4π² रेस टू पावर 1/3, क्यूब रूट हो गया ना उधर जाके. अब चाहिए क्या था आपको, h, r उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो यू गेट द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. Is that fine? कोई step clear नहीं हुआ हो? Clear? Last topic of gravitation is geostation. हाँ जी, mentioned नहीं है उसमें. वैसे अगर हो तो आपको पता ही है, हमने फर्स्ट यूनिट में किया हुआ है केपलर थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उतना आपको पता ही है जितना उसमें चाहिए. नहीं, केपलर लॉज वैसे सिलेबस में मेंशन ही नहीं, बट अगर फिर भी आपको पता है थर्ड लॉ, तो केपलर थर्ड लॉ ही मेन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट लॉ तो यही है कि प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट. सेकेंड लॉ एरियाज का है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है प्लेनेटरी मोशन में, और थर्ड वही है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो थर्ड लॉ पे तो आपने मेथड किया हुआ है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स. अब है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. जियोस्टेशनरी आर आल्सो कॉल्ड जियोसिंक्रोनस. जियोसिंक्रोनस भी कहते हैं, जियो मीन्स अर्थ. तो अर्थ के साथ क्या सिमिलैरिटी है, अर्थ से स्टेशनरी दिखती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. ठीक है, सो टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ दी सैटेलाइट्स दे अपीयर टू बी स्टेशनरी, जियोसिंक्रोनस. ठीक है, सिंक्रोनस मतलब कि कोई चीज सेम है इनकी अर्थ के साथ. ठीक है, तो जियो स्टेशनरी मीन्स दीज सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अर्थ. अर्थ से ये हमें स्टेशनरी लगती हैं. ठीक है, अब रीजन क्या है इसका, बिकॉज देयर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ इज सेम एज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, मीन्स 24 आवर्स. जितने टाइम में अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करती है, उतने टाइम में ये सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड एक राउंड कंप्लीट कर लेती है. तो ये सिमिलैरिटी है इनकी अर्थ के साथ. ठीक है, तो लिख लो, देयर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 24 आवर्स.
एंड दे आर रोटेटिंग अराउंड द अर्थ विद द सेम एंगुलर स्पीड विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ अर्थ. जितनी अर्थ की स्पीड है उतनी स्पीड से ये भी जा रही है, इसलिए वो स्टेशनरी लगती है. इमेजिन करो ना, अर्थ अपनी एक्सेस के अराउंड मूव कर रही है उतने ही टाइम में ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, तो हमें तो स्टेशनरी लगेगी ना. वी आर ऑन अर्थ, ठीक है ना. एक चीज घूम रही है, दूसरी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में उतने ही टाइम में मूव कर रही है, तो हमें स्टेशनरी ही लगेगी ना वो, ठीक है. तो लिख लो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है. These are the satellites that appear stationary to a person standing on Earth or to an observer on Earth because their time period of revolution around Earth is same as the time period of rotation of Earth, same as time period of rotation of Earth around its axis. ठीक है. सो टी इज 24 आवर्स. इसको अगर आप सेकेंड्स में कंप्लीट कन्वर्ट कर लो और हाइट निकाल सकते हैं फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके. ये सैटेलाइट की हाइट का ही फॉर्मूला था ना. तो लेट अस कैलकुलेट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बाय पुटिंग द टाइम पीरियड. करो वैल्यूज, दिखाओ, कॉपी लेके आओ, वो तो मैं भी बता सकती हूँ. सॉल्व करो. नहीं, वैसे याद रखने का कोई फायदा नहीं है, रट्टा थोड़ी मारना है, ये तो कैलकुलेशन है. तो अब इसको सॉल्व करेंगे, चेक तो करो ना कि क्या कह रहे हैं वो उतना आ भी रहा है कि नहीं. तो ये 86400 हो गया ना वन सोलर डे 24 आवर्स इन सेकेंड्स. कर सकते हो सॉल्व, लेंथी कैलकुलेशन है. ग्रेविटेशन की कैलकुलेशंस ऐसे ही हैं, न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे ही होंगे, बट यू हैव टू डू एंड डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग द कैलकुलेशंस योरसेल्फ, ठीक है. बाय हैंड कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, यू नो कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड. और स्पेशली जब MCQs हैं देन द स्पीड मैटर्स अलॉट, राइट. तो ये 35,900 समथिंग आता है किलोमीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 36,000 किलोमीटर लिखते हैं. सो दैट मीन्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर हाई हाइट सैटेलाइट्स, दे आर क्वाइट हाई, काफी हाइट पे हैं ये सैटेलाइट्स. ऑन द अदर हैंड पोलर सैटेलाइट्स जो होती हैं, वो वैसे सिलेबस में लिखी नहीं हुई, पोलर सैटेलाइट्स पोल्स के ऊपर से पास करती है. ये इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स हैं, इनका ऑर्बिट इक्वेटोरियल होता है, पासेस ओवर द इक्वेटर ऑफ अर्थ. हाँ, जियो स्टेशनरी आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स, क्योंकि इनका जो ऑर्बिट है इक्वेटर में से पास करता है. ऑन द अदर हैंड वी हैव पोलर सैटेलाइट्स. पोलर सैटेलाइट्स की जो वो सन सिंक्रोनस होती है और उनकी हाइट कम होती है. मीडियम हाइट सैटेलाइट 1,000 किलोमीटर होंगी, उनकी हाइट सिर्फ 1,000 होती है. इसकी आप देख रहे हो 36,000 किलोमीटर हाई फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. एप्लीकेशंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन. कहां से देख के बोल रहे हो आप? नहीं, कहां से देख के बोल रहे हो? उसमें से देख के बोल रहे हो? नहीं, किया हुआ का क्या मतलब होता है? तो उसका फिर अपने पास रखो ना, उसको हम देख रहे हैं ना. पहले पहले उसका क्या, या तो खुद बोलो, देख के नहीं बोलो.
कॉपी बंद करो ना, कॉपी बंद करो। हाँ चलो अब बताओ, एप्लीकेशंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। चलो स्टैंड अप दो, बस। कौन सी कम्युनिकेशन, किस टाइप के कम्युनिकेशन? सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब टीवी प्रोग्रामिंग एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। लिखिए यूज इसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का मेन यूज है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दैट मींस टीवी प्रोग्रामिंग एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। जो हम टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं ना, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू पॉसिबल हो पाते हैं। व्हाट हैपेंस, अर्थ पे देर आर डिफरेंट अर्थ स्टेशंस, ट्रांसमिटिंग स्टेशन भी है, रिसीविंग स्टेशन भी है। तो ट्रांसमिटिंग स्टेशन से रिकॉर्डिंग करके एक प्लेस पे उसको सैटेलाइट को भेजा जाता है वो प्रोग्राम, ठीक है। जो सैटेलाइट से उनमें डिवाइसेस होते हैं ट्रांसपोंडर्स, कल भी मैंने आपको बताया था पेलोड जो है। तो ट्रांसपोंडर्स क्या करते हैं, दे रिसीव द सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस के बाद, वो वीक हो चुका होता है, उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसको फिर प्रोसेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एंड देन दे सेंड इट टू डिफरेंट अर्थ स्टेशन ऑन अर्थ। That's why same program is shown at different places on earth. एक ही प्रोग्राम हर जगह हम सेम देखते हैं ना, रिकॉर्डिंग तो एक प्लेस पे होती है। तो दैट इज पॉसिबल वाया सैटेलाइट। कौन सी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऑल्सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज होती है। वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या वैसे ज्यादा उसमें रोल है, पोलर सैटेलाइट्स का भी है, बट जो इनसेट सीरीज है ना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स हैं, वो सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं और वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वैसे जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, IRS सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो भी क्योंकि पोल से पास करती है, वहां से 100% अर्थ मॉनिटर हो जाती है, तो वो भी वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम कर सकती हैं। कैसे करती हैं ये सैटेलाइट्स काम? जैसे कि एक सैटेलाइट है, उसको एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर भेजा जाता है एट सेम लोकल टाइम एवरी डे। जैसे सपोज कर लो कि 12 बजे रोज वो सैटेलाइट एक एरिया के ऊपर से विजिट करेगी, उसकी पिक्चर्स लेगी, वेदर कंडीशंस की पिक्चर लेगी ओवर अ मंथ फॉर एग्जाम्पल, इन द सेम ब्राइटनेस ऑफ सन। ऐसे नहीं कि एक पिक्चर सुबह ले ली, एक रात को ले ली, ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। इन द सेम ब्राइटनेस ऑफ सन एट द सेम लोकल टाइम एवरी डे दैट सैटेलाइट विजिट्स अ पर्टिकुलर एरिया, फिर उसकी पिक्चर्स, तो उसमें कैमरा भी फिर लेके जाते हैं, वो पेलोड ही, उसी को भी पेलोड कहते हैं। तो वो ओवर अ मंथ जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये कंडीशन आ रही है, ये चेंजेस आ रहे हैं ग्रेजुअली, तो उसको स्टडी करके वो आगे आने वाला वेदर प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे फिर ये होने वाला। तो इस तरह से वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। तो सैटेलाइट्स का बस इतना ही आपने ये करना है, एक एप्लीकेशन और हाइट ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो नाउ आर ग्रेविटेशन इज ओवर, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर यूनिट दैट इज ओवर, राइट? कोई डाउट है तो पूछ लो।